टीवी यूएसए देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। अज पंजाब दे विच एक अहम फैसला लिया गया जिसनों लैके एडवाइजरी जारी कर दी गई है, नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। उसनों लैके हुण प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है चंडीगढ़ विखे, तो तुहानू सीधियां तस्वीरां प्रेस कॉन्फ्रेंस दीआं दिखा रहे हैं जिथे मालविंदर कंग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। की इस कॉन्फ्रेंस का विशा तुहानू विखा दिंदे हैं। मालविंदर कंग जी ने अज तुहानू असी इस करके बुलाया है, अज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय के उत्ते तुहाडे नाल गल करनी है। आप सारे जानते हैं कि समय दियां सरकारां ने पिछले 3 दहाकों के विच पंजाब नू ना केवल आर्थिक तौर पर समाजिक तौर पर कंगाल किया, पर असिधे जां असिधे रूप के विच गन कल्चर का भी प्रमोशन किया, जिसका नतीजा यह निकलिया अज साडा पंजाब जिहड़ा है वह नशियां दी दलदल दे विच फसिया होया, गैंगस्टर दी दलदल दे विच फसिया होया, जिस दे नाल पंजाबी दा और पंजाबीयत दा और पंजाब दी जवानी दा लगातार जिहड़ा है वह घाण होया। यही कारण सी कि पंजाब सूबे दे जिहड़े लोग पूरी तरह त्रस्त सी, ग्रसे होए सी इन्हां समस्यावां दे नाल कि आम आदमी पार्टी दी सरकार मान साहब दी अगवाई दे विच 92 सीटां दे के उह बनाया, ते हुण मान साहब दी सरकार जिहड़ी है वह लोगों दी उम्मीदां दे उत्ते पूरी तरह खरी उतर भी रही है और खरे उतरण की कोशिश कर भी रही है। असी सारे जानते हाँ कि ना केवल मान साहब की सरकार ने किसानी नूं उभारन वास्ते काम किए हैगे है, नौजवानों लिए नौकरियां दित्तियां है, मुलाजमान वास्ते काम किया है, जां समाज दे विच जिहड़ा हैगा साडे एजुकेशन दे लैवल नूं ते हैल्थ दे लैवल नूं सुधारन की गल की है, जिहड़ा कि अज तुसीं सारे जानते हैं, अखबारों के भी इस चीज़ आया। पर दूसरे बन्ने सब तो कल वड्डा फैसला जिहड़ा पंजाब सरकार ने और मान साहब की अगवाई दे विच लिया, जिहदी कि नोटिफिकेशन भी जारी हो चुकी हैगी है कि पंजाब दे विच गन कल्चर बहुत हो गया, हुण इस तों वध नहीं, उहदे प्रति जिहड़ी नोटिफिकेशन जारी की है। तो इस विषय के उत्ते गलबात करने वास्ते मेरे साथी जिहड़े है मालविंदर कंग वो तुहाडे मुताबिक होणगे। शुक्रिया नील जी, विशा तो तुहाडे ध्यान च आ ही गया है। देखो जिहड़ा कल नोटिफिकेशन होया है उहनूं लैके भी मीडिया के हल्कियां च अलग 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 तरीके नाल तस्वीर पेश की जा रही है जी। आखे जी एक तो जिहड़ा ऑर्गनाइज क्राइम है उहदा गन कल्चर ना की मतलब उहनूं कितना रिलेट कर सकते हो, या उहनूं लाइसेंसी असले ना कितना रिलेट कर सकते हो। सो एक तो यह गल होगी, मैं उन्होंने अज डिफरेंशिएट करना चाहूँगा तुहाडे सामने। दूजा ये जिहड़ा फैसला लिया है, ये फैसला ना सिर्फ गन कल्चर जिहड़ा म्यूजिक दे राही प्रमोट किया जाता है, बल्कि एक लाइफ स्टाइल का हिस्सा पिछले दिनों नौजवानों का बनया, उन्हों पूरी तरह पाबंदी कितना लाई जा सकती है, वह सारिया चीज़ों ध्यान च रख के जिहड़ा नोटिफिकेशन जारी होया। हुण हुंदा की है, एक पहलू तो यह हैगा है भी जिहड़े गैंगस्टर कल्चर नाल नौजवान जुड़े आ उन्हां कोल तां लाइसेंसी असला नहीं हुंदा, ये आप सारे जानते, बिल्कुल ज़्यादातर नहीं हुंदा। लेकिन नाल नाल एक तस्वीर होर भी पंजाब च है, जमीना दे कब्जियां नूं लैके जिहड़े तकरीबन मतलब महीने च किन्ने किन्ने कतल हो जाते, वह लाइम लाइट च नहीं आ पाते और मोस्टली लाइसेंसी असले नाल होंदे आ। और उहदे च वी NRI भाईचारा जिहड़ा साडा आ वह बहुत वड्डे स्तर ते इफेक्ट है। पंजाब सरकार ने फैसला लिया जिहड़ी 3 महीनों च समीक्षा करनी है, जिहड़े लाइसेंस इशू हो चुके उहदे पिछे मकसद यह आ कि वह लाइसेंस वह लोगों नूं इशू ना हो चुके होण, या जिन्हां दा करैक्टर या जिन्हां दा पूरा किरदार या जिन्हां दी जिहड़ी बैकग्राउंड है वह साफ सुथरी आ, क्रिमिनल है, गुंडागर्दी नाल रिलेटड रही है। सो इहदे च हुंदा की रहा है भी बादल साहब की जिहड़ी 2007 वाली सरकार बनी उस तों बाद वड्डे स्तर ते तेजी आई आ भी नौजवानों पोलिटिकली पुश्त बनाई दे के लाइसेंस इशू करवाए गए कंसर्न अथॉरिटीज को, उहदी जरूरत किन्नी आ नहीं आ उहदे उस पक्ष नूं किसे ने बहुत डूंघाई नाल उहदी समीक्षा नहीं कीती ना स्टडी कीता। सो एक ते 3 महीनों के अंदर अंदर जिहड़े तकरीबन 4.25 लाख लाइसेंस इस टाइम पंजाब असले दे इशू होए आ उहनां दी पूरी वेरीफिकेशन रिव्यू होगी प्रॉपर।
मैं एक एग्जाम्पल ही तुहानू दे दिंना, एक हाई प्रोफाइल मर्डर होया सी पोंटी चड्डे का, हालांकि वह रहने वाला मुरादाबाद यूपी का सी, कारोबार नोएडा दिल्ली सीगा, असला उन्हूं पंजाब चो इशू होया सी। और एक पुलिस वाले दे एड्रेस ते इशू होया सी। इहो जिहे हजारां केसिस है और माझे दे एरिए दे कई कई परिवारां दे एड्रेस दे के पुलिस वालियां नाल अट्टी सट्टी ला के ते लोकां नूं असले जिहड़े हैगे आ लाइसेंस इशू हो के उहदा मिसयूज भी हुंदा है। तो ये सोसाइटी लई और पंजाब की डिमांड है। पंजाब की तस्वीर जिस तरीके नाल पेश कीती आ, गन्ना चलाउणियां, शराबां पीणियां, ये मतलब पंजाब की असली तस्वीर नहीं गी। पंजाब इन्हां चीज़ां लई जाणिया नहीं जांदा। सो मान साहब की सरकार ने एक तो उन्हूं रिव्यू करन दी नाल नाल म्यूजिक, देखो म्यूजिक इंडस्ट्री का इंपैक्ट बहुत वड्डे स्केल ते है, करोड़ा करोड़ा खासकर नौजवान। देखो ये मैं एक गल कहूँगा, जे आपां अपनी सुरक्षा लई इशू करवाने वैपन, उहदे ते कोई कोई चलो बजुर्ग है जां वड्डा वडेरा जां परिवार कल्ला रह रहा हो सकदा उहनूं जरूरत होवे, लेकिन जदों आ समीक्षा होगी पिछले सालों की तो करोड़ हजारां हजारां इहो जिहे केसिस निकले जिथे 20-20 साल तो लैके 30-30 साल तक नौजवानों नूं असले जिन्हां की कॉलेज जाण दी, स्कूल जाण दी, यूनिवर्सिटी जाण दी एज सी, वह मिसयूज भी होंदा। असला रखना बड़ा सौखा है, इहदा यूज़ और बड़ा खतरनाक हो सकता है। सो एक तो जिहड़े म्यूजिक प्रमोट करूगा चाहे कोई भी होवे, म्यूजिक का इंपैक्ट बहुत वड्डे स्तर पर आ, उन्होंने भी सख्ती नाल जिहड़ी सरकार पेश आऊगी, लिहाज कोई नहीं किया जाऊगा। पंजाब के लोगों की जिहड़ी असली तस्वीर है संजीदगी वाली, मेहनती लोग, किसानी वाली, देश दीआं सरहदां ते कुर्बान होण वाले नौजवानों की तस्वीर, जिहड़े साडे रीयल हीरो ते असीं पिछे छड्डते। सो पंजाब की जवानी नूं बचाउण वास्ते इस तरीके नाल जिहड़े रेफरेंस दे नाल असले दे वैपन दे जिहड़े लाइसेंस इशू होए आ, इहदे ते भी किते ना किते लगदा है वी चाहे उस टाइम पुलिस ऑफिसर साहिबान होण जां सत्ताधारी राजनीतिक लोग होण, इन्होंने अपनी पावर की दुरवरतों की है, वो सारिया चीज़ा भी सामने आनगियां। मैं एक एग्जाम्पल ही दिता, मैं कई दे सकदा तुहानू कि जिथे गन हाउसिस वालिया ने सैटिंग दे नाल लाइसेंस इशू करते वैपन दे और उदा खमियाजा विआह शादी हो रही है, इन्ने केसिस आए आ पिछले दिन, चाहे वह किसी दोस्त की उहदे दी डैथ हो गई, चाहे कोई कुड़ी डांस कर रही उहदी डैथ हो गई, किसी के परिवारिक मैंबर की डैथ हो गई, वो सिर्फ तो सिर्फ एक पुकरापंथी कह सकते हो तुसीं, लाइसेंस हैगा आ साडे कोल, रिवालवर है साडे कोल, गन है तो विआह च आ के चलाउणी है। सो पंजाब के लोगों की सेफ्टी नूं, सिक्योरिटी नूं ध्यान च रखते हुए पंजाब की असल तस्वीर नूं सामने लियाउण वास्ते एक बुरी जिहड़ी परंपरा है, रिवायत है, इहनूं खत्म करन वास्ते देखो गल्लां बातां इत्थे पहलां भी बहुत सारियां पाबंदियां लाइया गई होणगियां। कैप्टन अमरिंदर सिंह होणा ने भी एक बार अपने मुख्यमंत्री रह जदों सीगे उदों एक सिंगरां वास्ते इंस्ट्रक्शन जारी कीतियां सी, पर आ जिहड़े कल नोटिफिकेशन जारी होया इहदे पिछे 2-3 दिन माणयोग मुख्यमंत्री जी ने कंसर्न ऑफिशियल्स दे नाल घंटे घंटे कई कई घंटे बैठ के गंभीरता नाल विचार वटांदरा करके एक फुल प्रूफ प्रोग्राम जिहड़ा आ पंजाब पुलिस नूं दिता है भी ये पंजाब की असली तस्वीर नहीं, इहनूं खत्म करना और पंजाब के जवानी नूं पढ़न वाले पासे, खेडां वाले पासे, 2000 तक तो पंजाब के स्पोर्ट्स परसन, स्पोर्ट्स के नाते, खिडारियों के नाते पंजाब के नौजवान जाने जाते थे। आपां वेखने 15-20 पंजाबी कहिंदे आ जी ये असले असला चलाउंदे आ, फायर करदे आ, दारू पींदे आ, गैंगस्टर है, ये जिहड़ियां तोहमतां पंजाब ते लगियां, ये तोहमतां नूं हुण खत्म करन दा टाइम है।
और इस सारिया चीज़ों को ध्यान च रख के ही माणयोग मुख्यमंत्री जी ने यह फैसला लिया है। और मैं फिर एक गल दोहरा दा, चाहे कोई वड्डा बंदा होवे, छोटा होवे, जिन्ना मर्जी पोलिटिकल इन्फ्लुएंस रखता होवे, या कोई सिंगर छोटा होवे वड्डा होवे, हुण पंजाब दी तस्वीर नू, पंजाब दी जवानी नू बिगड़ नहीं दिता जाऊगा। सख्ती नाल सरकार पेश आऊगी और आम आदमी पार्टी भी मान साहब दे इस फैसले का स्वागत करती है और पंजाब दे लोकां दी जिहड़ी भावना सी उहदी तर्जमानी करते हुए यह फैसला लिया गया। तो जिमें कि तुम सुनिया कि हुण गन कल्चर से पूरी तरह नाल पाबंदी ला दित्ती गई है। अमरविंदर कंग का कहना है कि मान सरकार का यह सलाघा योग काम है क्योंकि गन कल्चर करके काफ़ी कतल सामने आते हैं। तो हुण लाइसेंसी जो पहला लाइसेंस बने ने हथियारों के उन्होंने भी समीक्षा की जाएगी, उन्होंने भी जाँच की जाएगी कि वह सही ने, जोड़े नहीं सही होंगे उन्होंने रद्द कर दिता जाऊगा। तो नाल दी नाल नवे लाइसेंस बनाने वास्ते जिहड़ियां दिक्कतां ने वह होर वध जाणगियां। तो गाणियां दे विच भी गन कल्चर नूं प्रमोट करना अज तो बैन हो गया है। गन कल्चर के उत्ते गाने गाउण वाले लोग हुण सोच के गाने गाउण, ये कहना है मालविंदर कंग दा। ब्यूरो रिपोर्ट, साडा टीवी USA चंडीगढ़।